क्या देखने को मिल रहा है आपको? बहुत कुछ देखा गया, चादरें, कुर्ती, सब कुछ देखने को मिला। अच्छा, बहुत सारी ऐसी चीजें जो लखनऊ में, हाँ लखनऊ में नहीं मिलती। हाँ, वो सब में अभी आपको यहाँ क्या क्या खरीदारियाँ करनी है? हमने तो चादरें खरीदी, कुर्ती खरीदी, शॉल खरीदा। हाँ, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे महोत्सव होते रहने चाहिए और क्या, हर साल होते रहने चाहिए और होता भी है यहाँ हर साल। किस किस वैरायटी के आपको सामान यहाँ पर देखने को मिल रहा है? बहुत सारी वैरायटीज़ के सामान देखे हैं, जैसे कैलकटा की साड़ीज़ हैं, कश्मीरी शॉल्स हैं, स्वेटर्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, हैंडलूम्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो लखनऊ में आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। हाँ, कैसा रिस्पांस मिल रहा है आपको, क्या क्या खरीदारियाँ करी आपने? अभी तो फिलहाल अभी तो बस आए हैं, अभी तो कुछ नहीं देख ही रहे हैं, स्टार्ट किया है बस खरीदना। अच्छा, ऐसे महोत्सव आयोजित होते रहना चाहिए? बिल्कुल होते रहना चाहिए। क्या क्या देखने को मिल रहा है नई नई चीज़ें? और वैरायटी तो बहुत भैया मिल रहे हैं, लेकिन जो है पैसे इतने दाम बढ़े हैं हर चीज़ का कि कोई सीमा नहीं। कुछ नई चीज़ें भी आपको देखने को मिली जो यहाँ लखनऊ में नहीं मिल पाती हैं? और नई वैरायटी तो सब आए हैं, बार बार देखो अचार आए हैं, तमाम हर चीज़ के मतलब मटेरियल तो आए, लेकिन अब इतने महंगे हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। अब क्या क्या देखने को, कितनी वैरायटियां आपको देखने को मिल रही हैं? अरे अभी तो शुरू किए हैं। अच्छा, मैम आप बताएं, आप यहाँ घूमने आए हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, कितने बाद कोरोना टाइम बाद तो मैं आज पहली बार इस तरह के एग्जीबिशन में आई हूँ और काफ़ी एक्साइटिंग लग रहा है, और कलर्स, प्रोडक्ट्स, सारी चीज़ें अच्छी हैं। मैंने देखी कितनी सारी शॉपिंग भी कर ली है। क्या क्या आपने खरीदारी? मैंने बेसिकली वुलन ब्लैंकेट्स लिए हैं, कुछ लद्दाख के स्वेटर्स थे और सॉक्स थे जो कि यहाँ पर यूपी में नहीं मिलते हैं, सो वो सारी चीज़ें ली हैं। अच्छा है और सारी चीज़ें हैं, लेना चाहेंगे तो अच्छी चीज़ें। लाइक आई एडवाइस टू पीपल कि अगर वो आएँ और लें यहाँ पर, अच्छा है, बट सेफ्टी का थोड़ा ध्यान रखें, सेफ्टी का ख्याल बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे वेंडर्स ने यहाँ पर मास्क नहीं लगाए हुए हैं, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि शॉपिंग हो और सारे लोग इस चीज़ को देखिए। मैंने लगाया है राइट, तो मैं भी चाहूँगी कि यहाँ पर सारी चीज़ें, अगर शॉपिंग भी हो रही है या सारी चीज़ें हो रही हैं, तो बढ़ावा देने के लिए ज़रूरी है कि सेफ्टी मेजर्स का भी ध्यान रखा जाए, बाकी सब बहुत अच्छा है। हैंडीक्राफ्ट पीएसए बेसिकली मैं देखता हूँ जितना भी ऑल ओवर द स्टेट्स ऑफ इंडिया, मतलब हर तरह से लोग आते हैं, हर तरह का चीज़ें आती हैं, जयपुर, राजस्थान, आप बता रहे हैं आप लद्दाख से हैं, तो सब एक अच्छी रेंज देखने को मिल जाती है, कुछ नया हो जाता है लखनऊ वालों के लिए, उस प्रकार से थोड़ा सा हो जाता है। एक हस्तशिल्प को लेकर के हस्तशिल्प को बढ़ावा देते हो सरकार की एक मुहिम, क्या सरकार क्या रही कर रही है मुझे नहीं पता है, अगर सरकार सहयोग कर रही तो अच्छी बात है, लेकिन इन लोगों की प्रयास अच्छा है, कारीगरों का प्रयास अच्छा है, अच्छी चीज़ें लाए हैं और जहाँ से लाए वहाँ से संभाल के लाना इनका बड़ा टफ काम है, एक एक आइटम वहाँ से लाना अगर कुछ ब्रेक कर गया तो पूरा नुकसान हो जाएगा, तो बड़ा संभाल के लाए वो अच्छी चीज़ है। आपको मंच मिला, कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है। कैसा रिस्पांस मिल रहा है? ठीक है सर, अच्छा है सर, अच्छा रिस्पांस। हाँ जी, सरकार की तरफ से कोई सहयोग मिल रहा है आपको? हाँ मिल रहा है सर, ये तो प्राइवेट चल रहा है, सरकार के लिए ये प्राइवेट चल रहा है, इसके बाद लगेगा हमारे पास कानपुर में 2 महीने के लिए, वहाँ पे भी ऐसा हम बहुत जगह लगाते हैं। सरकार उसमें कुछ सहयोग करता है आपके साथ? ना सरकार ने, हम प्राइवेट में लेते हैं सर, गवर्नमेंट से नहीं लेते, हमारा प्राइवेट चलता है सर। ये तो हम, ये बालों के लिए तेल है, लगाने से बाल झड़ना टूटना वाला, बाल रुकवाट होएगा, बाल लंबा घना ग्रोथ करेगा, ऐसी वाली एक बोतल लेडीज़ के लगाए तो बाल लंबा करेगा घना करेगा, इसमें बोलने से केमिकल नहीं है सर, ये तो जंगल की जड़ी बूटी, ऐसी वाली जड़ी बूटी बना के हम खुद हाथों से बनाने वाला तेल, इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है सर, ये तो छोटे बच्चे तक भी बूढ़े तक भी लगा सकते हैं, इसमें कोई केमिकल मिलावट नहीं है। ये बोतल ऐसी वाली 2 बोतल एक लेडीज़ के लिए लगाने से आपको इतना लंबा बाल करके आएगा, एसी वाली 1 बोतल एक जेंट्स के लिए लगाने से उतना लंबा बाल करके आएगा सर, उतना काला, ये शैम्पू लगाने से ही होता है सर, बालों के लिए तेल है सर, जेंट्स लेडीज दोनों, हाँ सर जेंट्स लेडीज दोनों भी लगा सकते हैं, इसमें कोई साइड इफेक्ट रिएक्शन नहीं है सर। ये बाल कटा के भी भेजते हैं सर हम, नकली चोटी नकली पिक होने के लिए भी भेजते हैं। लोग ये चीज़ें कर रहे हैं सर, ये बोल परंपरा से सर, मेरा परंपरा से ये आउट ऑफ कंट्री भी जाते हैं, ये तेल बोलने से आपको कोई साइड इफेक्ट कोई रिएक्शन नहीं बनाएगा, ये लगाने का तरीका भी है इसका। तो सरकार आप लोग की मदद करती है कि नहीं? सर मदद होती है सर हमारा सरकार, किस तरह की मदद होती है? और कई कैंप में आप लोग लगाने स्टॉल पाते हैं? ये तो प्राइवेट है सर, गवर्नमेंट से हमारे को स्टॉल मिल जाता है सर, लेकिन
अभी क्या है ना सर, गवर्नमेंट से क्या हुआ, हम बोलने से पहले हमारा खुद का ये बालों का कृषि था, हम बोले से ये तेल हम खुद बनाते थे, खुद हमारा बालों लेडीज जेंट्स को बालों को लगा के हम उस बालों को काट कर बेचते थे सर। तो हमारे को एक अभी एक 10-12 साल से 10-12 के साल के बाद गवर्नमेंट ने बोल के दिया कि आप ये तेल सेल करने से आपका भी प्रॉफिट, अच्छा प्रॉफिट होगा। तो ये सब बोलने से हम तब से हमारा एग्जीबिशन में और यूट्यूब चैनल है। फिरोजाबाद से आए हुए हैं, फिरोजाबाद जहाँ से बनता है गिलास। अच्छा अच्छा, कैसा रिस्पांस मिल रहा है? अभी तो नहीं मिल रहा है, जनता अब देखने आ रही है। जनता आ रही है, थोड़ी जनता आ रही है, जो आ रही है वो ले रही है। बिल्कुल, जो इसके विषय में जानते हैं वो हाँ ले रहे हैं। हाँ, हाँ जानते हैं। महोत्सव आयोजित होते रहना चाहिए। हाँ, ऐसे होते रहना चाहिए, लेकिन पब्लिक भी आनी चाहिए। हाँ, कोरोना को देखते हुए सरकार कम आ रही है। हाँ, कब ज़्यादा ही कम आ रही है। महोत्सव लगे थे उसमें काफ़ी, हाँ उसमें काफ़ी अच्छा रहा। तो रिस्पॉन्स मिलेगा, रिस्पॉन्स मिल जाए तो अच्छा ही है। राजधानी लखनऊ में हैंडलूम हस्तशिल्प महोत्सव चल रहा है। यहाँ पर आप हमारे पीछे देख सकते हैं तमाम तरीके के यहाँ पर सामान जो यहाँ आसानी से लखनऊ में उपलब्ध नहीं हो पाते हैं वो भी यहाँ पर मिल रहे हैं। बड़ी संख्या में यहाँ जो दर्शक हैं वो भी आ रहे हैं और उनसे भी प्रतिक्रिया हमने ली। आपने देखा कि किस प्रकार से दर्शकों का भी, दर्शकों के भी अंदर एक उत्साह है, वो भी कह रहे हैं कि इस प्रकार के महोत्सव आयोजित होते रहने चाहिए। और जिस प्रकार से लखनऊ में बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध नहीं हो पाती हैं, चाहे वो कश्मीर की शॉल हो या फिर पश्मीना शॉल हो और तमाम तरीके की चीज़ें जो लखनऊ में आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाती हैं वो भी यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं ये काश्तकारी जो हैंडमेड क्राफ्ट्स हैं वो भी बिक रहे हैं। सोफ़ा है, डाइनिंग टेबल है और तमाम तरीके की आप हस्तशिल्प कला से संबंधित सभी चीज़ें आप देख सकते हैं। और यहाँ पर कहीं ना कहीं इसको हस्तशिल्प को बढ़ावा देता हुआ एक महोत्सव आप कह सकते हैं। तो एक बहुत ही अच्छी पहल मानी जा रही है और काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। यहाँ पर बच्चे भी आ रहे हैं, बड़े बुज़ुर्ग सब आ रहे हैं, यहाँ से ख़रीदारियाँ कर रहे हैं। और यहाँ पर दर्शकों को भी आना चाहिए, आप सभी को आना चाहिए, एक बार अवश्य इस प्रकार के महोत्सव को जरूर देखने आना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट उत्कर्ष श्रीवास्तव के साथ रुक्मिणी सिंह मित्रूही, आनंद लखनऊ। हर खबर पर होगी आपकी पकड़। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल विद्रोही आनंद को और बेल आइकॉन दबाना न भूलिए।